व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉपअप राउंड आउट हो चुका है, हम सबको पता है। मतलब उसकी डिक्लेरेशन नहीं हुई है, उसकी प्रेफरेंस फिलिंग आउट हो गई है। अब प्रेफरेंस फिलिंग को लेकर बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि भैया एक ही कोर्स और कॉलेज कॉम्बिनेशन भर सकते हैं क्या, भैया कोई एक ही मिलेगा, 12th के परसेंटेज में मिलना था या फिर सीबीटी के मार्क्स पे। देखो 12th की परसेंटेज में मिलना है, अब तक तो यही फाइनल है, बिकॉज क्वालिफाइंग एग्जाम हमारा 12th का परसेंटेज था। मेरे हिसाब से तो वही आपका ऑप्शन नजर आता है कि 12th की परसेंटेज में मिलने वाला है, पहली चीज तो क्लियर है। बाकी जहां तक बात है, एक ही भर सकते हैं, एक ही नहीं भर सकते, एक बार में एक भर सकते हो। इसका मतलब समझ लो, करना क्या है, खोलोगे वहां पर आपको अपना कोर्स का नाम पहले सिलेक्ट करना है, फिर उसमें जो जो कॉलेज के लिए जो फिर कॉलेज का सिलेक्ट करोगे, दिखाएगा इन चार कॉलेज में इस कोर्स की सीट खाली है, वो कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, फिर सबमिट कर दिया, मतलब उसको सेव कर दिया। तो वो सेव होने का ये नहीं कि आप और कुछ नहीं कर सकते, अब फिर से दोबारा से ऑप्शन खुल जाएगा, अब आप फिर से उस कोर्स को सिलेक्ट करके उसमें जो अगला कॉलेज था उसको भी ऐड करके फिर सबमिट कर सकते हो, तो वो भी ऐड हो जाएगा। ऐसे करते करते एक एक करके आपको सारे ऐड करने, थोड़ा प्रोसेस को लेंदी और पता नहीं क्यों किया ये एक साथ करने देते, बट स्टिल इन्हें प्रोसेस किया कि अब आपको एक एक करके सबमिट करके ऐड करते जाना है। इसमें बवाल ये है कि जो आपने पहले ऐड किया वो आ गया, फिर जो आप सेकंड ऐड करोगे ना वो पहले वाले के ऊपर आ जाएगा, पहला वाला नीचे हो जाएगा, थर्ड ऐड करोगे थर्ड वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, सेकंड नीचे, फर्स्ट वाला सबसे नीचे हो जाएगा। तो आपको उल्टी प्रेफरेंस शीट बनानी है एक तरह से, क्योंकि देखो अभी फाइनल कुछ नहीं बताया नहीं कि ये प्रेफरेंस शीट है, ये क्या है, इसे बाद में अरेंज करने का मौका देंगे नहीं देंगे, कुछ नहीं बताया है ना। और वैसे प्रेफरेंस शीट की जरूरत होती नहीं जब 12th के मार्क्स, अच्छा हाँ यही बात है, 12th परसेंटेज के बेस पे एडमिशन हो रहा है तो प्रेफरेंस शीट की उतनी कोई जरूरत है नहीं। इसमें क्या होता है, मान लो आपके 80% मार्क्स हैं और आपने सारे ऐड कर दिए कि बीकॉम ऑनर्स का भी ये कॉलेज ऐड कर दिया, बीकॉम प्रोग्राम का भी ये कर दिया, बीकॉम ऑनर्स का ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, आपने सारे ऐड कर दिए, अरेंज नहीं की प्रेफरेंस वाइज सारे ऐड कर दिए, जब आपकी फाइनल इसका मॉप राउंड का रिजल्ट आएगा 12th की परसेंटेज के टाइम पे क्या होता था, आपको बता देगा कि इतने परसेंट मार्क्स पे ये कॉलेज, ये कॉलेज, ये कॉलेज, ये कॉलेज, ये कॉलेज, ये सब कॉलेज आपको लेना चाहते हैं, आपको कौन सा चुनना है, आप उसे कॉम्बिनेशन को चुन लो और ले सकते हो। तो ये होता है, इसके लिए प्रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक साथ आपको दिखा देगा कि इस मार्क्स पे कहां कहां आप एलिजिबल हो, वो सभी आपको एक साथ दिख जाएंगे। तो प्रेफरेंस शीट एज सच नहीं बनानी है इस बार, प्रेफरेंस में अरेंज करने की जरूरत इस बार एज सच नहीं दिख रही है, बट स्टिल प्रेफरेंस में कर दो तो सेफ साइड पे रहोगे, ठीक है, कि नीचे गंदे वाले करना और ऊपर अपने अच्छे वाले करना, ये सेफ साइड में बता रहा हूं, बाकी कोई ऐसी खास इस बार फर्क नहीं पड़ेगा, वो 12th की परसेंटेज पे आपका होने वाला है, तो कोई डाउट की बात है नहीं। तो आपको समझ में आया, पहले एक को सबमिट करना है, फिर अगले को, फिर अगले को, ऐसे करके सारे भर देने और फाइनल सबमिट कर देना, फिर आपका 5 तारीख को शायद है ना अनाउंसमेंट, फिर आपको एक साथ बहुत सारे कॉलेज बताएंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, इसके लिए एलिजिबल हो, इसके लिए एलिजिबल हो, आपको कौन सा चाहिए आप एक्सेप्ट कर लीजिए उसको, अरे उसमें एडमिशन ले लीजिए। ये फाइनल राउंड है, इसमें गलती मत करना, जिस भी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो उसे मत भरना, सीधे सीधे बाहर हो जाओगे। एलिजिबिलिटी का बहुत ध्यान रखना, मॉप राउंड आ चुका है, कोई डाउट होगा तो कमेंट करना बताऊंगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। जो लोग सीयूटी 25 की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, उनके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाली, सिलेबस डिस्कशन आने वाला है बहुत दिनों, कुछ ही दिनों बाद, और पूरी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा, डोमेन भी पढ़ाऊंगा और जनरल टेस्ट भी, इंग्लिश के लिए भी, हर चीज के लिए टीचर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, सब पढ़ाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा, पूरा प्रिपरेशन रेडी कराएंगे आपकी यहाँ से लेकर 2025 तक, तो कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिन्हें कॉलेज मिल गया कांग्रेचुलेशन, जो लोग वेट कर रहे हैं मॉप राउंड में मिल जाएगा, ओके ऑल द बेस्ट, मिल जाएगा टेंशन मत लो, फिलहाल सब भर दो जितना भर सकते हो, देखते हैं 90% चांस है कि इस राउंड में मिल जाएगा, ओके बाय बाय।